तो ए फ्रेंड्स, हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट के बारे में कि यार फोर्थ एनिवर्सरी के टाइम होगा, अगर होगा तो कौन कौन से बंडल आएंगे, अगर दिवाली के टाइम होता है तो वहाँ पे आपको कौन कौन से बंडल देखने के लिए मिलेंगे, और यार मेन बात कि इसकी डेट वगैरह क्या होने वाली है। तो यार काफ़ी ज़्यादा आपको इस वीडियो में से इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, क्योंकि यार देखोगे फोर्थ एनिवर्सरी के पीक डे के दिन आपको 50 फ्रेगमेंट मिले थे, तो इस तरह से यहाँ पर आपका मैजिक क्यूब काफ़ी बंदों का यहाँ पर कम्प्लीट हो चुका होगा। तो इसीलिए यार काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे कि यार मैजिक क्यूब स्टोर में अपडेट कब होगा। तो पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉप अप इवेंट है वो कंफर्म हो चुका है कि 500 डायमंड के टॉप अप इवेंट में यहाँ पे वाली कार की स्किन आपको देखने के लिए मिलने वाली है, फॉर्मूला नंबर 1 आप इस तरह से बोल सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको एक यहाँ पे बैग का स्किन 200 डायमंड के टॉप अप इवेंट में देखने के लिए मिलेगा। अभी तक फ्रेंड्स आपने फ्री फायर में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो लिंक आपको नीचे मिलेगा, और जल्दी से यार आपने कर लिया है तो भी यार मुझे थोड़ा सा यार यहाँ पे हेल्प कर देना, और मेरी लिंक से यार एक बार जरूर से आप रजिस्टर कर लेना। फ्रेंड्स अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लेना, लिंक आपको मैं कमेंट सेक्शन में पिन करके दे दूंगा। ओके, तो जाइए और जरूर से यार फॉलो कर लेना। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है अभी एडवांस सर्वर के ऊपर। तो देखो हमारा OB30 का जो एडवांस सर्वर आने वाला है उसमें जो रजिस्ट्रेशन आपको करना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके यार बेल वाले आइकन कॉल पर डाल देना, ताकि यहाँ पे जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा मैं आपको तुरंत यार वीडियो बना के बता दूंगा। क्योंकि यार OB30 का जो अपडेट है, मतलब कि एडवांस सर्वर का अपडेट है, वो कब आएगा तो 15 या फिर 20 दिन के अंदर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। ओके, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन कॉल पर डाल देना, ताकि आप रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट कर पाएंगे। तो मैंने एक वीडियो बना के बताया था और उसमें आपको बोला था कि यार 15 सितंबर से पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन देखने के लिए मिलने वाला है हमारे एडवांस सर्वर OB30 के दौरान। ओके, तो अभी हम फाइनली बात कर लेते हैं हमारा जो मैजिक स्टोर में अपडेट है। तो पहले हम एनिवर्सरी में कौन कौन से बंडल आ सकते हैं, तो देखो यहाँ पे ये वाला बंडल, ओके ये जो हमारा क्या बोलते हैं स्नैपी बंडल इस नाम है, ओके तो ये वाला बंडल अगर आता है तो कब आएगा मैं थोड़े से पहले 5-6 बंडल आपको दिखा देता हूँ। अगर अभी के टाइम में अपडेट आता है मैजिक क्यूब स्टोर में तो आपको ये सारे बंडल देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे दूसरा बंडल, तीसरा, 5-6 बंडल मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो पहले हम बात करते हैं यार इसकी डेट क्या होगी। तो देखो अभी हमको मैजिक क्यूब के फ्रेगमेंट मिले हैं, ओके तो यार मेरे ख्याल से 15 दिन के आपको अंदर अगर अपडेट आता है तो आपको ये 5-6 बंडल देखने के लिए मिलेंगे, और मैं अभी आपको 15 दिन बता रहा हूँ या फिर एक मंथ के अंदर। ओके, छोटा सा अपडेट आएगा और उसमें आपको ये 5-6 बंडल देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे आपको जोकर बंडित बंडल वहाँ पे नहीं होंगे। ओके, तो वो सब कब आएंगे वो भी मैं बता दूंगा। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख सकते हो नट क्रैकर बंडल है, उस पर पहले मैंने वाइल्ड फायर, जो वाइल्ड वाला फायर बंडल है वो भी आपको दिखा दिया, और यहाँ पे स्टार गेजर बंडल, ओके ये भी काफ़ी बढ़िया बंडल है। 5-6 बंडल आपको देखने के लिए मिलेंगे अगर यहाँ पे एनिवर्सरी के बाद अपडेट आता है तब। ओके, तो ऐसा बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है कि यार आपको अपडेट देखने के लिए मिलने वाला है, और कहीं पे लिखा भी नहीं है, इसकी लीक्स भी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर यार अगर यहाँ पे गरीना चाहता है तो आपको एक अपडेट दे सकता है और यहाँ पे 5-6 बंडल एड कर सकता है, ओके दिवाली से पहले। तो यहाँ पे देखो ये दो और टाइप के बंडल है जो कि डीजे टाइप के बंडल है। ओके, तो एनिवर्सरी हमारी बेसिकली यार पार्टी टाइप की एक इवेंट है, तो आप बोल ही सकते हो कि यार ये वाले दो बंडल भी आ सकते हैं। ओके, तो ये मैंने 5-6 बंडल आपको दिखा दिए जो कि अगर एनिवर्सरी के बाद अपडेट आता है तो आपको यही वाले 5-6 बंडल देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन उसके अलावा यार हम आर्टिक ब्लू बंडल, हमारा जो ब्रेक डांसर बंडल है, उसके बारे में भी बात कर लेंगे, और अदर सर्वर में यार ये दो बंडल भी यहाँ पर रिटर्न में उन लोगों को देखने के लिए मिले हैं, तो क्या पता हमारे सर्वर में भी ये बंडल आ सकते। ओके, और जो मैंने नट क्रैकर बंडल बताया, जो स्टार गेजियर बंडल बताया, वो तो यार आने ही वाले। ओके, तो आप एक मंथ के अंदर यार थोड़ा सा वेट कर लो, मेरे ख्याल से आपको एक अपडेट देखने के लिए मिलेगा जहां पे आपको ये 5-6 बंडल अभी देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन जो हमारा बड़ा अपडेट होगा, यानी कि मैजिक क्यूब में स्टोर में जो बड़ा अपडेट होता है, जहां पे आपको ये सारे बंडल अभी जो मैं दिखा रहा हूं, ओके ये जो हमारे सारे बंडल, यानी कि ये वैम्पायर वाले बंडल हो गए, हमारे ईगल वाले बंडल हो गए, फिर हमारा टॉप गेमर बंडल, बंडित जोकर बंडल, ये सारे बंडल आपको कब देखने के लिए मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये सारे बंडल हमारे OB30 अपडेट के बाद आपको देखने के लिए मिलने वाले। ऐसा क्यों? क्योंकि OB30 अपडेट एक मंथ के बाद मेरे ख्याल से हमारी दिवाली स्टार्ट हो जाएगी, दिवाली का इवेंट, और उसके यार 5 दिन पहले आपको अपडेट देखने के लिए मिलेगा। और आपको पता होगा कि यार दिवाली के टाइम उनको फ्री का मैजिक क्यूब मिलता है। ओके, तो फ्री का मैजिक क्यूब मिलता है यानी कि स्टोर में अपडेट 100% तब होता ही होता है। ओके, जैसे यार दिवाली स्टार्ट होती है आपको मैजिक क्यूब स्टोर में बड़ा वाला अपडेट देखने के लिए मिलता है, जहां पे सारे बंडल अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, किंग्स वर्ड वाला बंडल, फिर यार हमारा जो जोकर बंडल हो गया, बंडित बंडल हो गया, सारे बंडल के पैक आपको देखने के लिए मिलते हैं मेल और फीमेल के। लेकिन
आर्टिक और हमारा जो ब्रेक डांसर बंडल है वो आपको बिल्कुल भी वहां पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो यार मैंने आपको दो टाइप से बता दिया कि ये जो बड़ा अपडेट होगा वो दिवाली के टाइम ही होगा, ओके, उससे पहले मेरे ख्याल से नहीं होगा। अगर होता है ना तो हमारा जो मैं छोटे आपको अपडेट मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया 5-6 बंडल, ओके, जो डीजे वाले बंडल तक बताए ना वो सारे बंडल आपको अगर छोटा अपडेट होता है मैजिक स्टोर में तो वो सारे अपडेट आपको मतलब कि वो बंडल आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। लेकिन जैसे ही बड़ा ये अपडेट होगा आपको सारे बंडल यानी कि पिछली दिवाली जो बंडल थे ना वो सारे बंडल आपको इस वाली दिवाली के टाइम देखने के लिए मिलेंगे। तो दिवाली के 15 दिन पहले और उसके 5 दिन आगे, ओके, इस तरह से यहाँ पे ये वाला आपको अपडेट देखने के लिए मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स आपको एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन कॉल पर डाल देना, क्योंकि यार यहाँ पे कोई ऐसी लीक्स नहीं है, डेट नहीं है, फिर भी मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फर्म इन्फॉर्मेशन दे दी, आप ऐसा बोल सकते हो। लेकिन यार यहाँ पे आर्टिक ब्लू और हमारे जो स्ट्रीट मतलब कि जो ब्रेक डांसर बंडल है वो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा, ओके। फिर हमारा जो टॉप गेमर है वो तो आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ये दोनों बंडल आपको हमारे मैजिक क्यूब स्टोर में अपडेट नहीं होंगे। अगर यार गरीना इस बार दे देता है तो काफ़ी बढ़िया मज़ा आ जाएगा, आप बोल ही सकते हो, क्योंकि यार काफ़ी यहाँ पे देखो गोल्ड रॉयल रिटर्न में आया है, हमारा ग्रीन क्रिमिनल आया है, तो ये बंडल भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं आ सकते, ओके। अगर सारे सर्वर में ऐसा अपडेट होता है, ओके, सारे सर्वर में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आर्टिक ब्लू है, ब्रेक डांसर बंडल है, अगर सभी सर्वर में दोनों बंडल आ जाते हैं तो हमारे सर्वर में भी यार देना ही पड़ेगा, ओके। तो इस तरह से यार ये दो बंडल आने की पॉसिबिलिटी रहेगी, बाकी यार ना के बराबर ही है, अगर गरीना चाहता है तो दे सकता है, क्योंकि यार आजकल यहाँ पे दो दो मिस्ट्री शॉप आ रहे हैं, फिर हमारा मैजिक यार फ्रेगमेंट 50 मिला है, फिर हमारा ग्रीन क्रिमिनल गोल्ड रॉयल रिटर्न आया है, आप बोल ही सकते हो यार इलाइट पास भी वहाँ पे डिस्काउंट में देखने के लिए मिला है, तो काफ़ी सारे अपडेट अभी गरीना दे रहा है, तो क्या पता है कि ये दोनों बंडल भी यार दिवाली के टाइम हमारे आ सकते हैं, ओके। सारे सर्वर में आ जाएंगे ना तो यार पॉसिबिलिटी रहेगी कि हमारे सर्वर में भी आ सकते हैं। और यार यहाँ पे क्लैश कोड कप का जो हमारा राउंड 2 है और यार जो है ना उसका रजिस्ट्रेशन 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा और उसका रजिस्ट्रेशन यार 4 हमारे सितंबर तक 7 AM तक रहेगा। फिर उसका मैच डे यहाँ पे 4 सितंबर 4 मतलब कि 7 AM से स्टार्ट हो जाएगा, ओके, सेम टाइम जिस तरह से अभी हमने कल खेला था ना, तो उसी टाइप से राउंड 2 स्टार्ट होने वाला है। और वहाँ पे आप टोकन का यूज़ कर देना, ओके, जो आपके पास वाउचर होगा उसका यूज़ कर देना, तो मेरे ख्याल से सेम रिवॉर्ड रहेंगे। और इस बार आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा गोल्ड रॉयल का वाउचर मिलेगा, जिस तरह से पांडा का स्किन मिला था ना, तो आपको इस तरह से गोल्ड रॉयल का एक वाउचर मिलने वाला है, कैलेंडर में जाके आप राउंड 2 देख सकते हो। तो यहाँ पर जिन लोगों ने यार वाउचर का यूज़ किया था और चैंपियन बने हैं उनको ये वाले रिवॉर्ड मिले, और जो चैंपियन बने हैं जिन लोगों ने यार टोकन का यूज़ नहीं किया था, वाउचर का यूज़ नहीं किया था, उनको लेफ्ट साइड के रिवॉर्ड मिले, ओके, और जो टीम हारी थी उनको नीचे वाले रिवॉर्ड है। आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ओके। तो इस तरह से इमोट काफ़ी बढ़िया है, आपको कैसा लगा जरूर से कॉमेंट करके बताना, बाकी उतना कुछ खास नहीं है, ओके, 30 दिनों के लिए मिलने वाला है, तो ऐसा नहीं है कि परमानेंट मिला है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बस ये 30 दिनों के लिए इन्जॉय करने के लिए, बाकी सब जिनको नहीं मिला बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। और आप चैंपियन बने हो कि नहीं बने हो नीचे कमेंट करके यार एक बार जरूर से बता देना। बाकी यार हमारा जो अभी मैंने एक मोको इवेंट के बारे में बता दिया है कि वो कब स्टार्ट होगा, उसका कैलेंडर आ चुका है, और यार चैनल पे जाके आप चेकआउट एक बार जरूर से कर लेना, पूरा कैलेंडर एकदम अच्छे से समझा दिया है, क्या क्या रिवॉर्ड एकदम फ्री के अंदर मिलने वाला है, तो पूरा कैलेंडर में आपको एक फ्री का फीमेल बंडल भी मिलने वाला है, ओके, और किस तरह से हमारी इलाइट मोको अवेकन होगी और सारी कुछ मैंने उस वीडियो में बता दिया है, तो जाके चेकआउट जरूर से कर लेना। फिर हम बात करते हैं यार एडवांस सर्वर के बारे में, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को अभी से ऑल पर डाल देना, ताकि जैसे ये यहाँ पे इवेंट स्टार्ट होगा, ओके, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, मैं तुरंत आपको एक वीडियो बना के बता दूंगा, ताकि आप यहाँ पे जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और एक्टिवेशन कोड मिलेगा वही यार डाउनलोड कर पाएंगे, ओके। काफ़ी कम एक्टिवेशन कोड मिलते हैं, आपको पता होगा किस लोगों को मिलते हैं, ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके यार बेल वाला आइकन कॉल पर डाल देना, काफ़ी रैंडमली बंदों को भी यहाँ पे एक्टिवेशन कोड मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।